कहते हैं डर के आगे जीत है, और ये जीत की खुशी उत्तराखंड से आई है। टनल में फंसे 41 परिवारों में दिवाली आज मनाई जा रही है। दरअसल उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो इंतजार की घड़ियों पर विराम लग गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। श्रमिकों को निकालने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ और पहले 5 मजदूरों को निकाला गया तो आसपास मौजूद लोगों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। और फिर ये क्रम बढ़ता गया, 21 मजदूर, और फिर खबर आती है 33 मजदूर, 35 मजदूर, और फिर 41 मजदूर। यानी कि टनल में फंसे सभी मजदूर जिंदगी की जंग को लड़ते हुए बाहर आ चुके थे। परिवार वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कड़ी मशक्कत और कई तरह की मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी मजदूर एक एक कर बाहर आ रहे हैं और उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है, जिसके बाद सभी मजदूरों को सुरक्षा के लिहाज से तुरंत मेडिकल केयर के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एजेंसियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट लेते रहे और हर संभव केंद्र 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की संभावनाओं को तलाश करता रहा, जिसका परिणाम है कि सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। यकीनन इस जंग के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीआरओ और अन्य सभी एजेंसियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी कोशिश का परिणाम है कि 41 परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।